महाराष्ट्र सर दो गाड़ी जा रही है सर, 10-10 की, और हैदराबाद में 10 गाय जा रही, 3 गाड़ी जा रही है सर। जो गायें सेल के लिए अवेलेबल है उधर, उनका एवरेज रेट? एवरेज 45 मिल्किंग वाली है सर, बड़ी बड़ी गाय खड़ी है अंदर सर। 40 लीटर वाली गाय क्या रेट पे सेल कर दोगे? 1-10-1-20 में रेंज में देंगे सर। नमस्कार जी, हम पहले बार इधर आए हैं, हम फेसबुक में इसको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। बब्बू भाई पे आ रहा, 20 लीटर दिया, मैं पहले देखा, 10 लीटर दिया, सामने एक गाय और दो गाय छोटा वाले है। हम पहली बार इधर आया, हमको एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है। बाबू यूट्यूब चूसी इला आवल बहुत पंजाब लाटे वाड़ा षडे मच्छर अक्ट तेलंगा का इकड़ कुछ रेट तक इच्छर का रेट एक्वे किराया। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बना रहे हैं सहारा डेयरी फार्म पे बब्बू भाई के पास। आज इनके फार्म से गाड़ी लोड होकर एक तो महाराष्ट्र जा रही है और एक गाड़ी जा रही है हैदराबाद। क्या रेट की गायें इन्होंने सेल करी है, कितने दूध की गायें हैं, उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। पहले पूरा इनका आप नौरा देख सकते हो, फार्म देख सकते हो, कुछ गायें सेल के लिए अवेलेबल है और बाकी गायें इन्होंने सेल कर दी। पंजाब में बठिंडा एरिया में इनका फार्म है, जहाँ से पूरे भारत में गायें भेजते रहते हैं। रेट दूध के बारे में थोड़ी देर में हम आपको बता देंगे। इनमें से 4-5 गायें हम आपको चलाकर भी दिखाएंगे। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, उस नंबर पे संपर्क करके आप इनसे क्रॉस गायें खरीद सकते हो, अगर आपका बजट कम है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो ऐसी ब्रीडेड गायें भी आपको मिल जाएगी, जो कि एक दिन में 30-40 लीटर दूध देने की क्षमता रखती हैं। कुछ गायें बाहर खड़ी है, बाकी उधर गायें अंदर भी खड़ी है। 8-10 गायें अभी भी सेल के लिए अवेलेबल होगी। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए बब्बू भाई से बात करते हैं, वो आपको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया सर। महाराष्ट्र कितनी गायें जा रही है? महाराष्ट्र सर दो गाड़ी जा रही है सर, 10-10 की, और हैदराबाद में 10 गाय जा रही है, 3 गाड़ी जा रही है सर। 3 गाड़ी आज लोड हो रही है? हाँ जी, 3 गाड़ी लोड हो रही है। ठीक है जी, क्या क्या एवरेज रेट की गायें सेल करी है? जो महाराष्ट्र के लिए गाय ली है सर, वो 20 से 30 से लेके 45 केजी मिल्किंग वाली है, बोल 1,20,000, 1,30,000 की रेंज की गाय ली है, बड़ी गाय ली है उनको, और हैदराबाद के लिए 20 लीटर 18-20 लीटर की गाय जा रही है सर। ठीक है जी। हाँ जी, और इनकी दूध की एवरेज तो 18-20 आ गई, और रेट? रेट 55-60 की रेंज की गाय, मतलब ये क्रॉस ब्रीड में? हाँ जी, क्रॉस ब्रीड की, कोई गिरलैंडो की ब्रीड में आ गई सर जी। ठीक है जी। और किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से? कभी एक गाड़ी अपने फार्म से लोड कर रहे हो, कभी दो, तो आज 3 कर रहे हो। हाँ जी सर, जे अच्छा काम कर रहे हैं तो इसलिए कस्टमर आ रहा है सर, जे गलत काम करेंगे सर लंबा समय नहीं चलेगा सर। हमारी रेगुलर वीडियो आ रही है, जे अच्छा काम कर रहे हैं सर। अभी 2 गाड़ी ऑनलाइन जा रही है, फिर एक गाड़ी का सर कस्टमर ने ऑर्डर दिया, 4-5 गाड़ी उसके पास चलेगी सर। जे अच्छा काम कर रहे हैं तो इसलिए गाड़ी जा रही है सर, लगातार कंटिन्यू कर कस्टमर आ रहा है सर। ठीक है, अभी गाय के बारे में बता दो जी, ये गाय कौन से लैक्टेशन में है? सेकंड टाइम में डिलीवरी होना सर, अभी कम से कम 20 डे डिलीवरी होने के पड़े हैं सर इसके। और दांतों में 4 दांत है सर, ये गिरलैंडो का क्रॉस है सर। कितना दूध देगी ये? दूध देगी 18-20 लीटर दूध देगी, मैं इसको 25-26 लीटर कहेंगे नहीं देगी सर। हाइट वेट बॉडी वेट वाली गाय है सर, ये क्रॉस ब्रीड की गाय है सर, उसकी फैट भी बहुत अच्छी आएगी सर। अर्डर क्वालिटी क्या रेट पे सेल करी आपने? हमने 55,000 की दी है सर जी। अटर क्वालिटी देखो, फिटनेस देखो, लेग्स पोर देखो, और ब्रिक चमड़ी की गाय है सर। ऐसे नहीं है अभी जे क्रॉस है तो मोटा चमड़ा होगा, वो काम नहीं है सर। अभी आंचल का गैप देखो सर कितना पड़ा है, अभी 10-15 दिन में सर ऐसा अटर क्वालिटी बना देगी गाय से चला नहीं जाएगा। और स्किन देखो गाय की सर, और कितनी शांत देखो क्वालिटी वाली, मोटा चमड़ा नहीं है गाय सर, और अटर क्वालिटी गाय ने ऐसा बनाना है और चला नहीं जाएगा। और फिटनेस वाली गाय सर, जैसे हैदराबाद गाय ने जाना 2,000-2,500 किलोमीटर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गाय को सर, कोई दिक्कत वाली सफर झेलने वाली गाय है सर। ऐसी गाय लेंगे सर, कोई भी कस्टमर सक्सेसफुल में जाएगा, कोई ब्रीड भी हमारे पास मिलेगी, क्रॉस भी मिलेगी, शाहीवाल भी मिलेगी, बफेलो भी हमारे पास मिलेगी सर। हैदराबाद पहुंचने तक की जिम्मेवारी? हाँ जी हाँ, हमारी घर तक पहुंचाने की सभी परमिट कब सभी कागज बन गए सर। कस्टमर साथ जाएंगे, 2-3 कस्टमर हमारे गाड़ी के साथ जाएंगे, 2-3 ट्रेन पे जाएंगे सर, उनको कह दिया अभी घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी सहारा डेयरी फार्म की सर। ठीक है, अगर रास्ते में कोई ऊंच नीच होती है जिम्मेवारी आपकी रहेगी? हाँ जी, ये कोई सास वाली चीज है, इसका तो कुछ कह नहीं सकते, पर कागज के तरफ से हमारी जिम्मेवारी सर। जे गाय कौन से लोकेशन में है? जे सेकंड डिलीवरी होना है सर। दांतों में 6 दांत है सर। ठीक है जी। हाँ जी, और दूध कितना देगी? दूध देगी सर 20 से 12-22-23 लीटर दूध आराम से निकालेगी सर। चलाओ जी गाय को।
क्या रेट पे सेल करी आपने? ये भी थी हमने सर 55,000 की दी है सर। फैट कितनी आ जाएगी जिसकी? फैट इसकी 5.5 आएगी सर, सभी क्रॉस ब्रीड की गाय है सर। अच्छा। इसको हम कहते हैं ये ब्रीड वाली है, ऐसा काम सहारा डेयरी फार्म का नहीं है। जितने परसेंटेज होगी उतना परसेंटेज बजाएंगे। ऑर्डर क्वालिटी देखो सर गाय की, अभी कम से कम 5-7 पड़े सर पेंडिंग गाय के, अभी ऑर्डर कितना फिटनेस हो रहा है सर। लेग स्पोर देखो नई गाय है सर, ऐसी गाय है सर कोई भी कस्टमर, चलो वो आए हैं ना सर उनको कुछ भी नहीं पता था, पर मैंने उन अपने हिसाब से गाय लेके दिए सर। जो भी कस्टमर वो मेरे पास ही आएंगे नेक्स्ट टाइम भी। ऑर्डर क्वालिटी को फिटनेस देखो, लेग स्पोर देखो गाय का, बॉडी वेट देखो, और नई गाय है सर, ऐसी गाय सफर हर एक वीडियो में बोलता हूँ ऐसी गाय को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2,250 किलोमीटर जाएगी ना सर, कोई दिक्कत वाली गाय नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी सर गाय को। ये गाय कौन से लैक्टेशन में? ये बछड़ी सर, दंत बछड़ी, अभी दूध के दांत है, अभी कम से कम 1-1.5 महीना ले जाएगी सर डिलीवरी होने का सर। कितना दूध देगी? ये दूध देगी सर 25 फर्स्ट डे में। जो ब्रीड है सर, जो ब्रीड वाली गाय लेके दिए उनको लेनी सभी क्रॉस थी, उनको बोला मैंने भी एक मेरे कहने से लेके जाओ, आपकी समझ है चलो ठीक है, उनको लगा भी हमने क्रॉस ब्रीड लेनी है, उन्होंने मेरे कहने से ली सर। और बछड़ी इसके मार्कर को 35 का है सर, हमने ये फार्म से प्रोसेज करके दिए सर। ये क्या रेट पे दिए? ये हमने 62,000 में दिए सर। अटर क्वालिटी देखो, फिटनेस देखो, अभी 1.5 महीना पड़ा है सर डिलीवरी होने का गाय का। और बछड़ी अभी हाइट कुछ नहीं, अदंत बछड़ी सर, ऐसी ऐसी बछड़ी ना खाली घूम रही है, अभी ये डिलीवरी होने वाली। फेस क्वालिटी देखो सर, और पिंक नोज देखो इसकी सर, और ब्रीड चमड़ी को शैन स्किन देखो सर गाय की। ये ब्रीड वाली एक मैंने मेरे कहने से लेके दी है, बाकी इनकी सभी पसंद इनकी थी सर। मैं भी एक ब्रीड वाली लेके जाओ भी, आपको ब्रीड और क्रॉस का पता लगे भी ब्रीड क्या होती है क्रॉस क्या होती है सर। अच्छी गाय जाएगी ना सर, हमारा नाम बनेगा सर। अभी कुछ नहीं, जब इसको मैंने इनको ये भी बोला है, जब ये गाय तैयार होगी मेरे को वीडियो कॉल करके बताना जरूर भी क्या है, और क्रॉस का क्या निकल रहा है, ब्रीड का क्या निकल रहा है सर। ये गायें इधर अंदर जो खड़ी है वो सेल के लिए अवेलेबल है? कुछ एक गाड़ी महाराष्ट्र जा रही है, 10 गाय अपने सेल के लिए अवेलेबल है सर। अब जो गायें सेल के लिए अवेलेबल है उधर, उनका एवरेज रेट? एवरेज 45 मिल्किंग वाली है सर, बड़ी बड़ी गाय खड़ी है अंदर सर। 40 लीटर वाली गाय क्या रेट पे सेल कर दोगे? 1-10-1.20 में रेंज में देंगे सर हम, ऐसे कि हम कस्टमर को झूठ बोल के नहीं फंसाएंगे भी, ये हमें 70-75 की देंगे, ऐसा काम हमारा सारा डेयरी फार्म का नहीं है। जो अच्छी गाय 40-45 लीटर वाली लाख के समथिंग आएगी सर। तो किसान भाई उधर जो गाय खड़ी है अंदर, वो गाय ने बच्चा दे रखा है, डिलीवरी हो चुकी है, वैसी गाय का अगर आप 35-40 लीटर दूध निकाल कर खरीदना चाहो तो वो गाय 8-10 सेल के लिए अवेलेबल है। इनमें से कोई और गाय चला दो, ये कौन सी गाय चलाओगे? ये कौन से इलेक्ट्रेशन में है? लास्ट वो सेकंड इलेक्ट्रेशन है सर ये। और दांतों में ये 6 दांत है सर। कितना दूध देगी ये गाय? दूध देगी सर कम से कम 18-20 लीटर दूध देगी सर। और क्या रेट पे सेल करी है जी? ये हमने करी है सर 58 की सर। अटर क्वालिटी देखो सर, ये क्रॉस ब्रीड की गाय है सर। मैं इनको बोला सर, इनकी चॉइस थी सर भी हमारी क्रॉस ब्रीड लेनी, पर मैंने एक अपने कहने से इनको बछड़ी लेके दी है सर ब्रीड वाली। और इनका चलो गाय नहीं पूरी है सर, गाय बहुत टॉप की है, थोड़ा सा नाखून बनाए हुए हैं सर इसलिए ऐसे चल रही है, थोड़ा सा कच्चे से आई है गाय इसलिए थोड़ा सा ऐसे चल रही है, हमारे जहाँ पे पक्का है थोड़ा सा इसलिए चल रही है। कोई अटर क्वालिटी देखो, फिटनेस देखो, लेग स्पोर देखो, बॉडी वेट देखो गाय का, हाइट वजूद वाली गाय है सर, ऐसी गाय सर। इसकी फैंट बहुत अच्छी आएगी, 5-5.5 फैंट आएगी इसकी, ऐसी मिल्किंग है इसका, भैंस की तरह मिल्किंग होगा सर इसका। इसकी जो क्रॉसपन में तो है ही है सर इसके ना। अटर क्वालिटी देखो, थन देखो सर, मिल्किंग वेन देखो गाय की, और बॉडी वेट देखो गाय का, हाइट वजूद वाली गाय है सर। आराम से देना तो इनके ज़्यादा ही, पर हम 17-18 लीटर कह के दूध दे इनके दे तो चाहे 25-26 लीटर दे, पर हम कम कह के देंगे फिर इनके ज़्यादा के लिए फिर फायदा है सर। तो किसान भाई ये कस्टमर हैं जिन्होंने गाय खरीदी है, इनका फीडबैक आपके साथ शेयर करेंगे। हिंदी इन्हें बहुत कम आती है, ज़्यादा तेलुगु आती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ही बातचीत करते हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, हम पहले बार इधर आए हैं, हम फेसबुक में इसको कांटेक्ट कर रहे हैं। ये तो बब्बू भाई पे आ रहा, ये 20 लीटर दिया, मैं पहले देखा ये 10 लीटर दिया, सामने एक गाय और दो गाय छोटा वाले हैं। हम पहली बार इधर आया, हमको एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है। इनका काम कैसा लगा, कोई बेईमानी तो नहीं करी आपके साथ? नहीं, अच्छा है। और गायें कैसी मिल गई, गाय का रेट कैसा लगा आपको? मीडियम रेट है। महंगी तो नहीं लगी? कम है, हैदराबाद से इधर कम है। ठीक है, हैदराबाद से प्रॉपर एड्रेस क्या है आपका? बोनीरे यादादरी। ठीक है बाबू, यूट्यूब चूसी इला आवल बहुत पंजाब लाटे वा इकड षडको मच्छर అక్కడి కన్నా తెలంగాణ కన్నా ఇక్కడ కొంచెం రేటు తక్కువకే ఇచ్చారు, కాకపోతే ఏంటంటే రేట్లు కొంచెం ఎక్కువ అవుతున్నాయి కిరాయి. కిసినే భీ సార్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్
जैसे ब्रीडर लेनी है गाय, या क्रॉस ब्रीड लेनी है, या शाहीवाल लेनी है, या कोई भैंस लेनी है, सहारा डेयरी फार्म पे कॉन्टैक्ट करके गाय भैंस खरीद सकता है सर। रहने बहने की खाने पीने का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा सर। दो टाइम, तीन टाइम, चार टाइम किसी ने भी मिल्किंग करके गाय लेनी है, सहारा डेयरी फार्म का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है सर। किसी ने भी एक गाय भैंस खरीदनी है हमारे से कॉन्टैक्ट करके खरीद सकता है सर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।